स्टार्ट। आज हम देखेंगे कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है तो उसको कैसे बैलेंस करना है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा। तो इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल मेथड होता है, लेकिन हमें पहले पेंसिल से करना होता है इसको, डायरेक्ट पेन से नहीं, क्योंकि पेन से भी हमें बार बार डिजिट्स को चेंज करना होता है तो बार बार कटिंग हो जाएगी, इसलिए हमें सबसे पहले इसके लिए पेंसिल जरूर एग्जाम में लेके जानी है। पेंसिल से करेंगे पहले। जैसे इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन दी है C+O2CO2, ये इक्वेशन हमने लिया। सी कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है एंड बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये गैस होती है, निकल जाती है, ऐसे करके निशान भी लगा सकते हैं। ऐसे निशान का मतलब ये गैस है एंड ये निकल जाएगी, हीट हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो रिएक्टेंट्स है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रमक, अभिकारक और इनको उत्पाद, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक, एरो के इधर वाले, और एरो के उधर वाले उत्पाद कहलाते हैं। हमें इनको इनके बराबर करना है, दोनों को बराबर होने चाहिए, एक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन में हम देखते चलेंगे कितने कितने हैं, इसको आप सिंपली लिख भी सकते हो। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, सी है, दो है, दो ही हैं, तो एक इधर और इधर CO2, इधर कितने आ रहे हैं, ये मतलब हम लिख सकते हैं ये इधर के कितने अभिकार हैं, और इधर हम लिख सकते हैं और 2 8।
थे अब थर्ड इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को, कैल्शियम वन कैल्शियम वन ओ थ्री है, यहाँ भी ओ थ्री है, हम कोई ऐसी रिएक्शन उठाते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। कार्बन यहाँ पे बढ़ है, यहाँ भी बढ़ है, हाइड्रोजन यहाँ